ओम शांति। आज की तारीख है 22/4/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। बोल चाल ऐसा हो जो सब कहे कि ये तो जैसे देवता है, क्योंकि हमें ऊंचे ते ऊंचे बाप के द्वारा ऊंची पढ़ाई पढ़ाई जाती है, तो इसीलिए हमें बाप का नाम रोशन करना है। तो बाप तो हमें देवी देवता ही बनाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाप से लेना है? उत्तर, अभी ध्यान से सुने, सर्टिफिकेट लेने के लिए किन किन बातों से गुजरना होगा और पास होना होगा। तो बाबा कहते हैं, अपने दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। बाप जो श्रृंगार कर रहे हैं तो बच्चों की इतनी जो बाप सेवा कर रहे हैं तो जरूर उसका रिटर्न देना है। बाप का मददगार बनना है। मददगार बच्चे वह जिनका स्वभाव देवताई हो, ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं, यज्ञ सेवा से स्नेह हो, ऐसे बच्चों को बाप भी इजाफा देते हैं, खातरी करते हैं। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाप हर्षित होते हैं। गीत बजा है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, अपना बोल चाल बहुत मीठा रखना है, कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करना है, दैवी मैनर्स धारण करने हैं। नंबर दो, बाप की सर्विस में बिगर कहे मददगार बनना है, बाप की मेहनत का रिटर्न अवश्य देना है, गफलत नहीं करनी है। वरदान सतगुरु बाबा का, बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा बच्चों को निमंत्रण देते हैं कि बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंचकर सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की चांदनी भी लो, पिकनिक भी करो और खेल कूद भी करो। इसके लिए सिर्फ बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइंड अर्थात एक निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। दूसरा, साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। ये नशा और खुशी सहज योगी भी बना देगी और तीनों लोकों का सैर भी करते रहेंगे। स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।